आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है, विनोद की वजह से जीतू भैया आए स्ट्रेस में, फुलेरा इंस्पेक्शन सीन, पंचायत सीन मैडम लोग लोटा लेके जाते हैं, बाल्टी लेके थोड़ी कोई जाता है। कुछ बोले आपसे? मैडम बहुत सख्त है भाई। संभाल के मैडम, मल है, मल टिट्टी है। सुनना आगे सुनना। भैंस का है मैडम? लग तो नहीं रहा है कि भैंस का। अनुभव क्या? अनुभव मैडम, हम गांव-गांव इंस्पेक्शन करते रहते हैं ना, तो इसी चीज को डिफरेंस कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं ये लोग? हमको क्या पता। तू देख रहा है? तू देख रहा है मुझे? या मुझे इनकी एक्टिंग बड़ी मजे की लगती है। भला अच्छा ओके है क्या? वाह विनोद है ये। विनोद है तो मुंह पर गमछा का लपेटे। आज देखो ना टट्टिका के प्रकाश किए ना और बड़ो नाम पीनो नहीं। वही वही पकड़ पकड़ बचा दो। अरे ना पकड़ चाहिए तो ना पकड़ा जा। क्या हुआ? कौन टक गया? तुम आगे जाओ सर, रुको हमारा। है है रुकिए ना। इतना छोटा काटा होगा, सच्चे लगा होगा? नहीं तो उसे टेप लगा के लगाया। विनोद भोसड़ी मैडम, आप कोई कर गया होगा, हमारी भी चेक करने की लिमिट है। मैडम वैसे भी आज का लग नहीं रहा है, कम से कम ये 2-3 दिन पुराना तो ये है। एक्सपीरियंस आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इनफेक्ट हम ही आपका ध्यान ले गए थे ना इसकी तरफ। मैडम क्या है ये सब? मली है मैम। मली मतलब? पर मैडम रोज का नहीं है। टट्टी भरोसा रखिए, रोज का होता तो कोई ना कोई दिख जाता ना, तो कहाँ कोई दिख रहा है। दिख गया विनोद। कोई दिखा तो नहीं। कोई था ना वहाँ? कहाँ? नहीं कहाँ कोई है। अरे हम बोल रहे हैं ना, कोई था वहाँ? कोई नहीं था मैडम, कुछ मिराज जैसा रहा होगा। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? खेत में मिराज दिखता है क्या कोई? मिराज था, कोई तो था वहाँ। हटिया जरा, देखिए पालक भैया, डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। ऐसे ही रुक गए, पैंट पर कर। हम बता रहे भैया कि हम पैंट में हक देंगे। ठीक है तुम पैंट में हक दो, लेकिन खेत में झाड़ फिर नहीं देंगे। पानी फेंको इसका, बंद है इसका पोता। देखो उसको पागल हो गया कपे, मैं तुमको हकने के लिए घर पर बुला तो कहीं नहीं आए। ऐसे ही हकेंगे आप? ए विनोद, ऐसे ही हकेंगे, इसी में खोएंगे। हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ना है भाई, हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ रहा है। अरे ऐसे हाथ जोड़ा जाता है? दो दो लोग पकड़ के बोल रहे हाथ जोड़ रहे। तुम काम में ऐसा कर रहे कि हमको ऐसे हाथ जोड़ना पड़ा भाई? मान जा भाई, भाई, भाई। विनोद बेटा सुनो, गाँव ओडीएम घोषित है ना, भागते हुए देख लेंगे तो फिर गांव की इज्जत तो गई। वो गांव की इज्जत की परवाह नहीं है। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा बे? बहुत स्वार्थी हो रहा है ये लड़का। 7 दिन की बात और है विनोद, तुम जहां बोलोगे जिसको यहां बोलोगे उसको आगने का तुम इंतजाम कर देंगे। हां बताओ कौन है उधर, ये क्या हो रहा है यहां? कुछ नहीं मैडम, हम विनोद।
विनोद कौन थे लोग? क्या हो रहा था यार? ये म्यूजिक कितना म्यूजिक है? उस आदमी का पैंट खुला क्यों था? पता नहीं क्या चल रहा था। पता तो भाई सब था क्या चल रहा था। हाँ लेकिन ये सीन बहुत मतलब फनी लगा था मुझे। वैसे पंचायत की बात करें ना तो पता नहीं क्यों पंचायत को देखकर ना मुझे वो वाली फीलिंग आती है जैसे हम लोग मालगुड़ी डेज देखते हैं ना। हाँ तो आपको उस तरह वाली फीलिंग और दूसरा जो है ना इसमें जो आपको क्या नाम लेते हैं छोटी छोटी समस्याएं जो हैं जो नजर हाँ। आती हैं वो सारी आपको इस तरह की जो डेली रूटीन लाइफ पे कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो पिंडों में नजर आती है ना क्योंकि बेसिकली ये सेट जो है ये इसी तरह का बनाया हुआ है किसी गाँव की समस्या वगैरह का। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए ना तो मैं कहूंगा कि एकदम परफेक्ट वेब सीरीज रही है। और पता है इस वेब सीरीज को जिस तरह से बनाया गया इसकी वाइब बड़ी अच्छी। अच्छा वैसे खैर अभी यहाँ पर जैसे इंस्पेक्शन करने आती मैडम तो भाई ये क्योंकि सीजन 2 है सीजन 1 में भी बहुत स्ट्रिक्ट थी मतलब एक ही सीन था इनका और सीजन 2 में अभी जिस तरह से ये नजर आती हैं मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए तो उसमें भी बहुत ज्यादा ये स्ट्रिक्ट मतलब बात करने का स्टाइल ही बहुत ज्यादा सख्ती वाला होता है। मसला था नहीं वो जो इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि विनोद को भड़काया उनके मतलब उन्होंने था बवासीर वाले में उनको बनकारस पता नहीं बोलते हैं मतलब जंगल का डीमन उसको बोलते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं ना कि क्या हुआ सीरियसली ऐसे कुछ नाम होता है बनकारस वो जो पहले सीजन में जो बरात आती है और साथ में चेयर भी लेकर जाता है भाई मैं तो कहती हूँ ऐसे दूल्हे के साथ ना तो लड़की को इनकार कर देना चाहिए मेरी शादी नहीं करनी। सही बात है। वैसे जो है ना ये जो है ना यानी कि इसका हर एपिसोड इस तरह का है कि आपको देख के खुशी भी होती है और आपको थोड़ा थोड़ा ना दुख भी होता है कि यार क्या नाम लेते हैं बीच बीच सीन इमोशन इस तरह के बना दिए जाते हैं ना यार। लेकिन मैं सोचती हूँ ये पूरा लेकिन गांव का तो सेट नहीं ना होगा। नहीं ये मेरा ख्याल है कि मैंने किसी को वो छोटा सा क्लिप देखा था कुछ सेट लगा हुआ है और कुछ जो है ना रियल लोकेशन भी है। लेकिन ना एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है लाइक सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं चाहे छोटे बीच में शैतान भी है लेकिन अच्छी बात ये है कि वो जो एक एंड पे सारे एक हो जाते हैं दोबारा डेली बेसिस पे एंड पे जो यानी रात को सोने से पहले जो है ना सारे गिले शिकवे जो है वो खत्म किए जाते हैं ताकि अगले दिन की शुरुआत बाहर गिले शिकवे से की जा सके। लेकिन डीएम मैडम भाई वो जांच पड़ताल किस चीज की करने आई थी यार? वो ये इस चीज की करने आई थी कितने लोग खेत में जाते हैं वही ना क्योंकि कंप्लेन होती है ना इस वजह से तो वो भी मुझे लगता है कि इन्हीं की तरफ से ही होती है। एक स्पेसिफिक खेत रख देते ना यहाँ पे बैठ के सारे लोग जो प्रधान जी हैं वो भी कभी कभार जाते हैं खेत में क्योंकि उनको आदत है ना इसलिए। वैसे प्रधान जी की जो मिसिज है ना वो बहुत अच्छी है नीना जी। हाँ मुझे तो वैसे प्रधान जी बहुत अच्छे लगते हैं वो भी क्योंकि किसी का दिल ही तोड़ दे वो रख्त सी बनाई हुई है ना उनकी पत्नी अच्छी है। हाँ। लेकिन ये है कि प्रधान जी भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं और जीतू जी तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो हर टाइम ना दुखी ही रहते हैं उनको खुश करना बड़ा मुश्किल काम। बेचारे यहाँ पर आना नहीं थे चाहते लेकिन अब आ गए उनका दिल लग गया। वैसे ऐसा मुश्किल होता है सच में जब आपको किसी ऐसी जगह पर भेजा जाए ना तो बहुत ही रियलिस्टिक सी आप कह लो कि एक वेब सीरीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज बड़ा मुझे फनी लगता है इस सीन में कि जब वो कहते हैं ना कि कोई 2-3 दिन पुराना लगता है तो मुझे ज्यादा कि हम यही चेक करते रहते हैं ना तो मुझे बड़ी हंसी आती। वैसे एक चीज मैं बताऊं ये हम लोग वैसे मूवीज की हद तक देते हैं लेकिन जो वाकई में जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होती वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब्बू अक्सर बताते थे जब वो बचपन में मतलब अब्बू के बचपन में अब तो खैर हमारे गांव में तो पता नहीं काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें हैं ऐसा मसला नहीं है। हो सकता है मुझे लगता है शायद साउथ पंजाब वाली साइड पर ऐसा होगा मतलब साउथ पंजाब वाली साइड के गाँव में मुझे लगता है कि यहाँ पर आइडिया नहीं कोई लेकिन मुझे आइडिया नहीं मुझे हंसी वैसे आ रही थी वो बड़ी देर पहले जो है ना मैं एक स्टेट ड्रामे का क्लिप देख रहा था उसमें कहते हमारा बचपन सही था ना खेतों में जाते
जाते थे, ना पानी होता था ना कुछ होता था, वहां से बट्टा पकड़ते थे किसके साथ कर ले। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन तुम देखो कितनी दिक्कत भी होती थी ना रात के टाइम, तुम देखो कितना प्रॉब्लम होता होगा। सुबह सुबह लोग उठ के जाते होते थे, चलो दोपहर में तो समझ आ गई ना, दिन दिन में रात में कभी फिर बारिश हो जाती, क्या हम कितने मसले थे यार। रात को बैठे हुए शौचालय कर रहे हो सामने बघियाड़ आ रहे, तुम बैठ कर हंस रहे हो, तुम्हारे जैसे के सामने आ रहा था ना, तो वहां से तुमने भागना था उल्टे में, निकालना क्या बघियाड़ को के जो अंदर से निकाल रहे उसको। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइए ये सीजन 3 किस किस ने देख लिया है। मैंने वैसे अभी देख रहा है, और मैंने भी देखना है। तो बताइए कि कैसा है सीजन 3, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 और सीजन 3 की भी रेटिंग बहुत अच्छी गई है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सीजन जो है वो बहुत कमाल किए जा रहे हैं। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ है इजाजत। और लेकिन जाने से पहले प्लीज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कभी किसी गाँव में गए हो और यू नो खेतों में चलते चलते ऐसे कुछ यू नो। हाँ बचपन में बहुत बार हुआ है, पाँव भी कभी गया है। वो उस पे आया है, गोबर पे बड़ा पाँव आया है बहुत ज्यादा। सही बात है, वो पता नहीं जब बंदा बातें करते करते जाता ना यूं लेकिन वो अनुभव से बता रहे, 4-5 दिन पुरानी होती है, ऊपर से सख्त हो जाती है ना, कलर चेंज हो जाता है। anyway, guys,